महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल कमर कसना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के तो दिन लौट आए हैं। कांग्रेस से सीट से 13 सीट पर पहुंच गई, वहीं 23 सीटों पर भाजपा को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव परिणाम से ये सिद्ध तो हो गया है कि इस बार महाराष्ट्र में हवा भाजपा के खिलाफ है, लेकिन भाजपा भी इस बार हिम्मत नहीं हारने वाली है और पूरे दम के साथ भाजपा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। चुनावी रण में जहां कांग्रेस के अंदर जोश दिखा, तो वहीं सभी दल महिला वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। पिछले महीने ही महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने लड़की बहन योजना शुरू की थी, जो युवा महिलाओं के कल्याण को लक्षित करती है। वहीं अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सावन के पवित्र महीने के दौरान एक अनूठा अभियान शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हर सोमवार को शिव मंदिरों पर मेरा वचन मेरा शासन के बैनर तले एक नया वादा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य है महाराष्ट्र की लगभग 4 करोड़ महिला मतदाताओं की विकास और कल्याण की जरूरतों को पूरा करना। भाजपा इस अभियान को महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने के रूप में पेश कर रही है। बीजेपी के लिए महिला मतदान हमेशा से अहम रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा ने महिला प्रतिनिधित्व के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए 12 महिला विधायकों को सदन में भेजा था। वहीं कांग्रेस के 44 विधायकों में से केवल 5 महिला विधायक हैं। भाजपा की महिला प्रतिनिधित्व के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है और ये अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इस रिकॉर्ड पर भरोसा कर रही है। पिछले दशक में महिला मतदाता बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं। इस जनसंख्या की बदलाव का भाजपा को हाल ही के चुनावों में काफी फायदा हुआ। वरिष्ठ भाजपा अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में उनके चुनावी प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिला मतदाताओं को लुभाने पर केंद्रित रहा है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार की कई योजनाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, इसलिए भाजपा का दृष्टिकोण सुव्यवस्थित प्रतीत होता है। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सावन के दौरान फडणवीस के वादों पर राजनीतिक विश्लेषकों और उन मतदाताओं द्वारा करीब से नजर रखी जाएगी जिनका समर्थन वो प्राप्त करना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि भाजपा पर इस बार महिला मतदाता कितना भरोसा करती है। क्या महिला वोटरों के भरोसे भाजपा और महायुति तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या नकली सेना और असली सेना की लड़ाई में कांग्रेस इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? इसकी तो सही जानकारी चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लग पाएगा।